हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। मुझे मिल चुका है पंचायत सहायक पोर्टल का आईडी पासवर्ड, और अब आपको आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में रेगुलर वीडियोस मिलेंगी जिनमें आपको पर सुविधा की हर वीडियो अलग अलग मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। लेकिन पंचायत सहायक पोर्टल पे क्या क्या आपको सतर्कताएँ बरतनी है वो ज़रा ध्यान में रखिएगा। ज़रा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, 2 से 3 मिनट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी पंचायत सहायकों को डाउट्स रहता है, मतलब जिनको कंप्यूटराइज नॉलेज कम है, जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं और वो चाहे मुझसे कोलैब करना, बातें करना या अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन लेना, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे पंचायत सहायक डाउट्स ट्रेनिंग कोर्स है, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। आपका कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो मैं 24 आवर आपके साथ में अवेलेबल रहूँगा। तो चलिए दूसरी बात कर लेते हैं हम पंचायत सहायक पोर्टल के ही बारे में, और वो ये है कि आपको इस पोर्टल पर जितनी भी सुविधाएँ अवेलेबल हैं वो सारी सुविधाओं की पार्टिकुलर वन बाई वन वीडियो मिलेगी। इसके लिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है। कोई भी सवाल वीडियो को देखने के बाद बचता है तो कमेंट में लिख देना। चलिए अब बात करते हैं इस पंचायत सहायक पोर्टल के लिए आपको क्या क्या सतर्कताएँ बरतनी है। देखिए, सबसे पहली बात, पंचायत सहायक पोर्टल का आईडी और पासवर्ड किसी के हाथों में नहीं जाए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर आपका पंचायत सहायक का आईडी और पासवर्ड किसी व्यक्ति के हाथ चला गया, किसी व्यक्ति ने उसको खोल दिया और उसने रजिस्ट्री गलत कर दी आपके ही पोर्टल पे, तो आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। यानी कि उस पर परिवार रजिस्ट्री होगी, हिस्ट्री डिटेल्स होंगी, तो अगर वो डिटेल्स में किसी ने छेड़छाड़ी कर दी तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपका जो आईडी पासवर्ड है वो किसी के पास तक ना जाए, उसको सिक्योर रखना। अगर आप किसी के सामने आईडी पासवर्ड डाल भी रहे हो तो आप उसको वेलर करके रखें या छिपा के रखें। तो पहली बात, आपको आईडी पासवर्ड किसी के पास तक नहीं जाने देना है। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि अगर प्रधान आईडी पासवर्ड लेता है तो भैया क्या करें? नहीं, वो एक अलग बात है कि प्रधान के पास आईडी पासवर्ड रह सकता है, सचिव के पास आईडी पासवर्ड रह सकता है, यानी आपके सीनियर्स के पास रहेगा, नो प्रॉब्लम। बट आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर उनके हाथों से किसी और ने देख लिया या किसी और ने ले लिया और नाम हो जाए हमारा, ऐसा भी पॉसिबल है? तो हाँ, ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है उनसे किसी ने आईडी पासवर्ड लेके गलतियाँ कर दी और नाम आपका हो रहा है। ये सिक्योरिटी है, इसलिए आपको जो भी हिस्ट्री वहाँ पे लगाओगे, आप जो भी आप वहाँ पे अपडेट करोगे उसको तुरंत से नोटिस करना है। मतलब जो भी आप अपडेट कर रहे हो एक दिन में उसको चेक करना है कि आपने सही अपडेट किया। दूसरे दिन को अपना अपडेट करने से पहले ये चेक करना है कि जितना मैंने कल अपडेट किया था आज उतना ही अपडेट किया उस पर। अगर कुछ एक्स्ट्रा अपडेट है तो आपको तुरंत से सूचना पहुँचानी है कि सर ये मैंने अपडेट नहीं किया, ये एक्स्ट्रा अपडेटेड है इस पर, तो वहाँ पर आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। इसलिए गलतियाँ ना करें, आपको सतर्कता बरतनी होगी अपने आईडी और पासवर्ड के साथ, पहली और इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात की अगर बात की जाए साथियों, तो वो है इस पोर्टल के माध्यम से आपको किस तरीके से लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करनी। देखिए, इस पोर्टल पे सारी सुविधाओं की डिटेल बाय डिटेल दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब भी आप अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं उस पर, जो जंजीर का निशान है उस पर, तो आपको तुरंत से वो रिडायरेक्ट करता है मेन वेबसाइट पर। अब आपको ये नहीं पता कि मेन वेबसाइट पर अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे करें, तो इसके लिए तो आपको पार्टिकुलर वीडियोस मिलती जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको सारी वीडियोस उस पर मिल जाएंगी। तो आपको ये विशेषकर सारी सुविधाएं अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत के निवासी को पहुंचानी है, ये आपका दायित्व बनता है। अब आपको किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको परमिशन की थी तब तक थी, लेकिन आपको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ सूचना देनी है अपने प्रधान जी को या सचिव को कि सर हम ये सुविधाएँ गाँव वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी लिस्ट बना लेनी। तो आप अब गांव की सुविधा के मालिक हो गए कि आपको सारी सुविधाएं गांव वालों को प्रोवाइड कर दी। आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, आपका काम अप्लाई करना है, ये भी ध्यान रखना। और अगर अगली इंपॉर्टेंट बात की जाए तो सुविधाएं जो है किसी को विश्वास नहीं दिलाना है कि ये सुविधा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि आपका काम है अप्लाई करना। फिर भी जो सुविधा अप्लाई की जाती है, सरकार उसकी सुविधा के लिए सर्वे कराती है। अब सर्वे में क्या परिणाम देते हैं सचिव प्रधान या और अन्य लोग, तो वो उनका परिणाम है, लेकिन आपका काम इतना विश्वास दिलाना है कि हम अप्लाई कर रहे हैं आपकी सुविधा के। अब मिलती है नहीं मिलती है, ये आपको गारंटी नहीं लेनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।